विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। साथियों आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स ऑफ व्यू 3.1। इसके पहले वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आज हम जो बात करेंगे 3.2 बात करेंगे। ठीक है, बहुत इजी वे से हम लोग बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स 3.2। जरा समझिएगा, ऑफ व्यू में जब हम बात करें प्रश्नावली, अगर साथियों हम बात करें प्रश्नावली 3.2, क्या 3.2, और हम बात कर रहे हैं किसका, क्लास 12। याद रखिएगा, उसी दिन मैंने बताया था कि आपको बेसिक आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स ऑफ व्यू सवाल आप लगाएंगे बहुत ही आसान से, पर कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको बता दें, ये चिन्ह जो आप देख रहे हैं ये किसको बताता है, ये मैट्रिक्स को बताता है, ऑफ व्यू को बताता है। ए इक्वल टू मैंने लिखा, ए क्या बता रहा है कि ये क्या है, ये मैट्रिक्स है। और अगर मैं यहां लिख दूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सब क्या है, इसमें जितने भी टोटल हैं ये टोटल ये सब क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिसे हम लोग एक तरह से तत्व भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तत्व भी कह सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि मैट्रिक्स या ऑफ व्यू को कुछ इस वाले जैसे में रखते हैं कोष्टक में, और अगर आपसे कोई पूछे ये ए क्या है, ठीक है, इसे कैपिटल से दिखाते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एनी वन कुछ भी हो, ये बताता है, ये क्या बताता है कि ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स को बताएगा, लेकिन जो इसके अंदर होते हैं ये एलिमेंट्स या तत्व कहलाते हैं। और एक बेसिक चीज और पता होना चाहिए, क्या याद रखिएगा हमेशा, क्या चीज पता होना चाहिए, जैसे मैंने दिया ए इक्वल टू, यहां दे दिया ए, दे दिया बी, सी दे दिया, और क्या दे दिया, डी। देख पा रहे हैं ये क्या है, ये बता रहा है कि कोई मैट्रिक्स है, ऑफ व्यू है, और इसके अंदर जितने भी हैं वो क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। और आप जानते हैं ना ये क्या है, ये सी वन है, ये क्या है सी टू, ये क्या है आर वन, और ये क्या है आर टू। आप देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं कालम, इसे कहते हैं रो, क्या कहते हैं, रो कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, कालम कहते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, ये स्तंभ हो गए, और ये क्या हो गई, पंक्ति हो गई। और याद रखिएगा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ए वन वन। अभी हम बात कर रहे हैं ए वन वन क्या है, अभी बता रहे हैं, फिर ए वन टू, ए वन वन का मतलब समझ पा रहे हैं, ए वन वन, वन वन का मतलब पहला रो पहला कालम। याद रखिएगा जहां भी कोई भी सवाल लगाना है तो आप पहले रो फिर कालम, रो बाई कालम, मतलब याद रखना है पहले रो फिर कालम, रो फिर कालम। अब चाहे रट लो और चाहे ऐसे ही याद कर लो, लेकिन याद होना चाहिए पहले रो तब फिर क्या याद करेंगे, कालम। अब जरा समझिएगा, हम क्या बताएं कि ये ए वन वन माने पहला रो पहला कालम, हमेशा पहले आपको रो बोलना है तब कालम बोलना है। ठीक है, ऐसे पहला रो दूसरा कालम, इसका क्या नाम रखेंगे, ए टू वन, ए टू टू, इसका मतलब दूसरा रो पहला कालम, दूसरा रो दूसरा कालम। ऐसे कुछ भी मिल जाए तो आप ऐसा काउंट करते चलिएगा, ये बेसिक था, अगर आपको पता चल गया तो आप ये वास्तविक कह रहे हैं आप लोग लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान। अब देखिए चलिए टॉपिक पे चलेंगे, उसी में बताते चलेंगे, ठीक है ना, एक एक सवाल चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर पहला कह रहा है, क्या कह रहा है साथियों, कि ए इक्वल टू दिया है, क्या दिया है, दो दिया है, चार दे दिया है, तीन दे दिया और दो दे दिया है, फिर नेक्स्ट में दिया है बी इक्वल टू, कितना दे दिया है, वन थ्री, और दिया है कितना, माइनस टू दिया है, और कितना दिया है, फाइव, और सी इक्वल भी दिया है, कितना दिया है साथियों याद रखिएगा, माइनस टू, और फिर दिया है फाइव थ्री फोर, ठीक है ना, ये दिया है। अब देखो इसमें पांच सवाल पूछे हैं, एक एक को हम लोग सोल्यूशन करते चलेंगे। देखिए सवाल नंबर एक कह रहा है कि ए प्लस बी बराबर क्या होगा, देख पा रहे हैं आप, समझिए पहले, अब ये ऐसे करके पांच सवाल दिया है, अब एक एक हम बताते चलेंगे, आराम आराम से लगाते चलेंगे। ए इक्वल टू दिया है, बी का मान भी दिया है, सी का मान भी दिया है, आपसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, तो साथियों करेंगे क्या, जरा समझिए, क्या पूछ रहा है कि ए प्लस बी बराबर क्या होगा, यही तो पूछ रहा है, तो जरा याद रखो क्या करेंगे। अब देखो ए प्लस बी पूछ रहा है, तो ए ए की वैल्यू खोजो, क्या है ए, ए बराबर दिया है, कितना दिया है साथियों, दो दिया है, चार तीन दो, अब यहां क्या दिया है, प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर बी, बी का मान दिया है कितना, एक दिया है, तीन, माइनस दो, और कितना दिया साथियों, पांच दिया है। अब क्या करेंगे,
अब इसको क्या करेंगे, देखो अब ऐड कर लो, कैसे ऐड करेंगे, ये देखो यहाँ दो है और प्लस एक, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो यहाँ कितना है, दो प्लस एक, दो को एक के साथ, फिर चार है तो चार प्लस यहाँ कितना है तीन हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ तो तीन प्लस और यहाँ कितना है माइनस दो, तो यहाँ हो जाएगा माइनस दो, ठीक है ना, यहाँ दो और पाँच तो दो प्लस कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा और इक्वल टू कितना आ जाएगा, दो और एक तीन आ जाएगा, चार तीन कितना हो जाएगा सात हो जाएगा, और अगर इसका बात करें, ठीक है ना, यहाँ तीन है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तीन में से दो जाएगा तो कितना आ जाएगा एक आएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक और यहाँ पाँच दो कितना हो गया सात हो गया, आप देख पा रहे हैं ए प्लस बी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है, नोट करते चलिएगा, एक एक सवाल नोट करते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसी का नंबर दो पूछ रहा है कि a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी बराबर क्या होगा, तो अब क्या करेंगे, पहले a, पहले जैसे किए थे सेम सेम वही करना है, बस माइनस कर देना है, a की वैल्यू दिया है कितना दिया है दो तीन चार, दो दे दिया है माइनस, b की वैल्यू कितना दिया है एक दे दिया है तीन, माइनस दो दिया है साथियों, और क्या दे दिया गया है पांच, चलिए घटाते हैं, तो जब हम घटाएंगे भैया मेरे तो कितना आ जाएगा, दो में से एक घटाना है तो दो में से देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, दो में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा एक, और चार में से तीन जाएगा तो कितना जाएगा एक, और तीन में से माइनस दो, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो तीन और दो कितना हो जाएगा पांच, और दो में से पांच जाएगा तो कितना जाएगा माइनस तीन, तो देख पा रहे हैं कि आप ए माइनस बी का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, ये टू नंबर था। अब साथियों देखिए इसका थ्री नंबर क्या कर रहा है, कर रहा है थ्री नंबर कि थ्री ए और क्या कर रहा है माइनस सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए, थ्री है तो थ्री को पहले नोट करेंगे ए, ए की वैल्यू ठीक है निकाल लेते हैं, ए एक वैल्यू कितना दिया है दो दिया है, चार तीन दो दिया है, उसके बाद में माइनस सी, सी की वैल्यू कितना दिया साथियों माइनस दो, पांच दिया है तीन दिया और कितना दिया है चार दिया है, अब क्या करेंगे इक्वल टू तीन दुनी छ, तीन चौ बारह, तीन त्रिका नौ, तीन दुनी का छह फिर से आ गया, अब क्या करेंगे यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर यही काम करिए यहाँ कितना है माइनस दो, फिर पांच, फिर थ्री आ गया, फिर कितना आ गया चार। अब साथियों करेंगे क्या, जरा बात समझिए, अब करेंगे क्या, आपको घटा देना है, देखो यहाँ छह है यहाँ माइनस दो, तो छह और माइनस कितना हो जाएगा प्लस दो हो जाएगा, अब यहाँ बारह है यहाँ पांच, तो बारह माइनस पांच तो कितना हो जाएगा बारह माइनस पांच, और यहां करेंगे नौ माइनस तीन तो कितना आ जाएगा नौ माइनस तीन, और ठीक ऐसे यहां करेंगे तो छह माइनस कितना आ जाएगा चार आ जाएगा। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं, छह दो कितना हो गया आठ हो गया, अब बारह में से पांच जाएगा तो सात पांच बारह हो जाएगा, नौ में से तीन जाएगा तो छह तीन नौ हो जाएगा, छह में से चार जाएगा तो कितना आ जाएगा दो आ जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं आपका ये थ्री ए माइनस सी का क्या हो गया वैल्यू हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है नोट कर लीजिएगा, ठीक है बहुत ही आसान है, हमने कहा था पहले ही बता दिया था कि आप बहुत ही आसान लगा सकते हैं, ठीक है बेसिक मजबूत होना चाहिए। अब देखिए अब आ रहा है नंबर चार, थोड़ा इसका मल्टीप्लीकेशन करना थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ए और बी, ए इंटू बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए मल्टीप्लीकेशन करने आपको आना चाहिए, देखो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, पहले ए, ए की वैल्यू खोजो, ए की वैल्यू कितना दिया है दो दिया है, तीन दिया है और कितना दिया साथियों चार दिया है दो, और इंटू बी, बी की वैल्यू दिया है एक तीन माइनस दो और कितना दिया साथियों पांच दिया है, तो देखो गुणा करने का इसका लॉजिक क्या है जरा समझ लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, गुणा हमेशा आपको आवश्यकता पड़ेगा, इसीलिए कह रहे बार बार गुणा करने आना चाहिए। अभी आपने देखा कि जोड़ घटाना बहुत ही सरल था, लेकिन गुणा आपको करने आना, देखो मैंने पहले बताया था रो बाई कालम, रो क्या है यहां ये है और कालम कहां है ये है, तो गुणा करते समय रो बाई कालम याद रखना है, देखो रो बाई कालम, पहले रो तब कालम, फिर रो कालम, रो कालम, रो कालम, ऐसे गुणा करना है, कैसे दो इक्के दो, फिर बीच में आपको प्लस लगाना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा आपको प्लस लगाना पड़ेगा, फिर चार दुनी आठ मतलब माइनस आठ आ गया, अभी आपने इसका गुणा इसके साथ किया, ठीक इसका गुणा इसके साथ करना पड़ेगा, दो तिहाई कितना हो जाएगा छह प्लस और चार पंचे का कितना हो जाएगा बीस, ठीक है अब तीन इक्के तीन आ गया प्लस दो दुनी का चार माइनस चार, फिर क्या हो जाएगा साथियों तीन त्रिका नौ प्लस दो पंचे का कितना हो जाएगा दस हो जाएगा, देख रहे हैं कितना आसान है।
अब इक्वल टू कितना आ जाएगा, दो है तो दो प्लस माइनस माइनस आठ, तीन प्लस माइनस यहाँ चार हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा छः प्लस बीस, और यहाँ कितना हो जाएगा नौ प्लस दस हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे साथ में कितना आ जाएगा, आठ दो में से आठ जाएगा नहीं, आठ में से दो जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस छः, और यहाँ बीस और छः कितना हो जाएगा छब्बीस हो गया, और यहाँ तीन में से चार तो जाएगा नहीं लेकिन चार में से तीन जाएगा तो माइनस वन, और यहाँ दस और नौ कितना हो जाएगा उन्नीस हो गया। आप देख पा रहे हैं यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नोट करते चलिएगा एक एक सवाल नोट। देखो प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना मतलब मैथ को सोल्यूशन करा सकते कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब आपको दो चक्का चलाने नहीं आता, कोई व्यक्ति अगर चला रहा है आप देख रहे हो तो आप ये सीख ये जान सकते हो कि चलाना कैसे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं चला सकते। आप याद है ना साइकिल, कोई चला रहा है साइकिल आपने देखा तो नहीं चला सकते, लेकिन हाँ वो क्या करते हैं प्रैक्टिस कर करके आप साइकिल चला सकते। वही खास वही मैथ है, तो मैथ में भी आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना गजब हो जाएगा। देखिए एक और आ रहा है बी इंटू ए, लास्ट इसका आ रहा है बी इंटू ए की वैल्यू कितना होगा। तो पहले खोजो बी, बी इक्वल टू दिया है एक तीन माइनस दो और दे दिया है पांच, ठीक है ना। अब क्या करेंगे साथियों इंटू बी की वैल्यू खोजो, ए ए ए ए कितना दिया है दो दिया है, चार दे दिया, तीन दे दिया दो, और याद है ना मैंने क्या बताया था रो बाई कालम, पहले आपको हमेशा रो देखना है उसके बाद क्या देखना है कालम। तो चलो करते हैं, तो कितना जाएगा देखो एक दुक्के दो प्लस लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा प्लस, तीन त्रिक्का नौ, ठीक है। अब यही तो यहां भी तो करना पड़ेगा, अरे बोलो भैया एक चौके कितना हो गया चार प्लस तीन दूनी का छह हो गया, और अब इसका करिए तो दो दूनी का चार माइनस चार प्लस पांच तिहाई का पंद्रह हो जाएगा, फिर दो चौक आठ माइनस आठ हो गया प्लस, फिर क्या हो जाएगा पांच दूनी दस। तो आप देख पा रहे हैं कितना आसान से हम लोग लगा रहे हैं, फिर इक्वल टू नौ और दो का एड करेंगे तो कितना हो जाएगा नौ दो ग्यारह हो गया, छह चार कितना हो जाएगा दस, पंद्रह में चार जाएगा तो कितना जाएगा ग्यारह हो जाएगा, ठीक है ना, यही तो होगा। अब देखो अब यहाँ दस में से आठ घटाएंगे तो कितना जाएगा तो दो आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं बी इंटू ए का मान आसानी से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसको मिटा दें, ठीक है ये खत्म हो गया। अब देखिए सवाल नंबर वन कितना आसान था, तो हम बेसिक कह सकते हैं कि आराम आराम से आप बना सकते हैं जब आपको बेसिक पता रहेगा, ठीक है कोशिश करते रहिए, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आ जाएगा। देखिए नंबर दो कह रहा है कि निम्नलिखित में परिकलित कीजिए, फर्स्ट नंबर कह रहा है बहुत मजा आने वाला है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए दिया है प्लस, फिर क्या दिया है ए बी बी ए, अब कह क्या रहा है इसको परिकलित कीजिए मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों करेंगे क्या जरा बात पहले समझ लो, अब करेंगे क्या इक्वल टू क्या आ जाएगा जरा समझो, ए प्लस ए है तो ए प्लस ए करेंगे तो कितना जाएगा ए प्लस ए कर लो, और इसको इसके साथ करेंगे तो b प्लस बी होने वाला है पक्का, और इसको इसके साथ करेंगे साथ ही कितना माइनस बी और प्लस है क्या हो जाएगा b, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस ए हो जाएगा। बात समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे साथ ही एड कर लो, देखो प्लस और माइनस की क्या हो गई विदाई, a और a कितना हो गया 2a, यहाँ क्या हो जाएगा 2b हो गया, और यहाँ बचे कितना जीरो, a और a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप यही छोड़ सकते हैं या तो आप बाहर दो कॉमन ले सकते हैं, तो a b 0 a, तो आप देख पा रहे हैं कितना आसानी से आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चाहे आप यही छोड़ सकते हैं या तो इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, नोट करते चलिएगा, हम आशा कर रहे हैं कि बहुत ही सरल होगा। देखिए सवाल नंबर दो आ रहा है, ठीक ऐसा ही है, कह क्या रहा है साथियों, कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कह रहा है साथियों, फिर प्लस क्या दिया है 2ab, फिर दिया है 2bc, फिर माइनस 2ac, फिर दिया है माइनस 2ab, है ना, यही तो दिया है, बिल्कुल यही दिया है। अब करेंगे क्या, आप देख रहे हो ना चिन्ह किसका है प्लस का, तो बाबा इसको साथ जोड़ना तो पड़ेगा ना भैया, बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। चलो जोड़ते हैं इसको, इसके साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो प्लस कितना हो गया 2ab, और इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बताइए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ही होगा, क्या हो जाएगा 2ac, इसको इसके साथ करेंगे क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस
टू ए बी आ जाएगा। अब क्या करेंगे साथियों, जरा याद रखिएगा, अब करेंगे क्या, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, और देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला बन गया। देख रहे हैं कितना मजा आ रहा है। अब देखो याद है ना कि अगर यहाँ माइनस रहता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी, तो ये फार्मूला किसका बनेगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसका अगर बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कितना आसान है, बेसिक आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट इसी का कह रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है साथियों, क्या कह रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है कि माइनस एक चार माइनस छह, और दिया है आठ पांच सोलह दिया है, दो दिया है आठ, उसके बाद में पांच दिया है, फिर प्लस लगा के दिया है, कितना दिया है बारह सात छ आठ जीरो पांच दिया है, थ्री टू फोर दिया है ना, बिल्कुल दिया है। अब चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, देखो डायरेक्ट लगाएंगे, जल्दी जल्दी लगाएंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे सवाल में ज्यादा टाइम नहीं लेना है। अब देखो पहले समझो, यहां प्लस है, ठीक है ना, याद रखना कि ऐड करना है। अब यहां माइनस एक है, यहां बारह, तो बारह में माइनस एक जोड़ेंगे तो एक घट जाएगा ना, तो कितना बचेगा यहां ग्यारह। देखो यहां चार है यहां सात है, तो जोड़ लेंगे तो सात तीन दस एक ग्यारह हो गया। अब देखो यहां छह है, ये माइनस है यहां प्लस है, तो बोलो प्लस और माइनस से कट जाएगा तो कितना जाएगा जीरो। अब यहां आठ है यहां आठ, तो आठ आठ कितना हो जाएंगे सोलह। अब पांच में जब जीरो जोड़ोगे तो बताओ कितना आएगा, पांच ही आएगा। सोलह प्लस पांच में अगर जोड़ेंगे तो सोलह पांच कितना हो जाएगा इक्कीस हो गया। अब ऐसे यहां देखिए दो और तीन कितना हो जाएगा पांच, आठ और दो कितना हो जाएगा दस, पांच और चार कितना हो जाएगा नौ। तो देख पा रहे हैं ना कि कितना आसान है, तो भैया मेरे आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया, मिटा दें बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए नेक्स्ट कह रहा है सवाल नंबर चार, कह रहा है साथियों कास स्क्वायर यक्स, यहां दिया है साइन स्क्वायर यक्स, यहां दिया है साइन स्क्वायर यक्स, फिर यहां दिया है कास स्क्वायर यक्स प्लस साइन स्क्वायर यक्स, उसके बाद में दिया है कास स्क्वायर यक्स, कास स्क्वायर यक्स, फिर से यहां दिया है साइन स्क्वायर यक्स। तो देख पा रहे हैं बहुत ही आसान दिया है, तो क्या करेंगे साथियों, फिर वही पुराना वाला फंडा लगाएंगे, क्या करेंगे इसको इसके साथ ऐड करना है, तो क्या लिखेंगे कास स्क्वायर एक्स प्लस, प्लस है ना, और यहां क्या है साइन स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ जोड़ लो तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, ठीक है ना, क्या आ जाएगा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आप बचपन में पढ़ के आए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये बहुत बचपन में पढ़ के आएंगे, ठीक है ना, बहुत छोटा है बेसिक है, नौ दस में तो पढ़ के आप आए होंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर कितना एक, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक, ठीक यहां भी एक हो जाएगा और यहां भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो गया एक। तो आप देख पा रहे हैं आपका ये क्या आ गया आंसर आ गया। तो कोई भी सवाल हो आप बहुत ही मतलब आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है इसको हम मिटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट, अब साथियों नेक्स्ट देखिएगा थ्री नंबर, कह रहा है कि गुणनफल करना है, क्या करना है गुणनफल कीजिए। देखिए हम कहे थे ना गुणनफल बहुत जरूरी है, ठीक है, अब कंफ्यूजन रखेंगे तो मजा नहीं आएगा। ए दिया है बी और यहां माइनस बी, यहां दिया है ए दिया है और फिर यहां दिया साथियों कितना ए माइनस बी, यहां दिया है बी और यहां दिया है कितना ए दिया है। अब करेंगे क्या, जरा बात को समझ लो, करेंगे कुछ नहीं, आपको याद है ना मैंने बताया था क्या करना है आपको, रो बाई कॉलम, ठीक है, ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस लगाना पड़ेगा, बी का गुणा बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ऐसे ए का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब इसका भी तो करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके बारी बारी से, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस ए बी प्लस, इसका गुणा करेंगे तो ए बी हो गया, ठीक ऐसा इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस, एक ए का गुणा करेंगे ए स्क्वायर। देख पा रहे प्लस माइनस इनकी और इनकी क्या हो गई विदाई हो गई, बचा कितना
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तो जीरो बचेगा, यहाँ भी जीरो बचा, और यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आप लिख सकते हैं। देख पा रहे हैं कितना आसान है। तो गुणा करना बेसिक आप यही याद रखिएगा, रो बाई कालम। अगर आप ये याद रखते हैं तो हम यही कह सकते हैं कि आप पूरा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिए नेक्स्ट, अगर हम इसी का सेकंड दे दें आपको, क्या कह रहा है, एक दो तीन, ठीक है, हल करके बताइएगा जल्दी जल्दी, दो और कितना आ गया तीन और कितना आ गया चार, तब इसको कैसे करेंगे, याद है ना वही ट्रिक, रो बाई कालम। देखो ये वाला एक बार पूरा हम करेंगे, फिर इसका पूरे हम करेंगे, फिर इसका, देखो एक दुक्के दो, एक तिहाई तीन, एक चौके चार, दो दुनी चार, दो तिहाई छः, दो चौके आठ, तीन दुनी छः, तीन त्रिक्का नौ, तीन चौक कितना हो गया बारह। तो देख पा रहे हैं कितना आसान है, बेसिक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए आप लोग क्या कर रहा है, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर कह रहा है साथियों कि एक माइनस दो, दो और दे रहा है तीन, और इसमें करना है किसके साथ, एक दो दो तीन तीन एक के साथ करना है। तो अब आप लोग देखिए ये घबरा गए होंगे, ये इतना दिक्कत आ गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, देखो आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं करना है साथियों, आपको फिर वही याद रखना है, रो बाई कालम वाला ट्रिक, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जल्दी जल्दी बताओ, एक एक के एक प्लस दो दुनी चार, तो क्या हो जाएगा माइनस चार, हुआ ना ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट, एक दुक्के दो प्लस दो तिहाई छः, क्या हो जाएगा माइनस छः, फिर एक तिहाई तीन प्लस दो एक के दो माइनस दो, ठीक है ना, ऐसे इसका भी करेंगे, दो एक के दो प्लस तीन दूनी छः, दो दूनी का चार प्लस तीन त्रिक्का नौ, दो तिहाई छः प्लस तीन एक के कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा, इक्वल टू चार में से एक जाएगा तो माइनस तीन, छः में से दो जाएगा तो माइनस चार, और यहाँ तीन में से दो जाएगा तो एक आ गया, छः दो कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा, नौ और चार जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तेरह हो जाएगा, और छः तीन कितना हो जाएगा नौ आएगा। तो आप देख पा रहे हैं आप आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं, कितना आसान है, ठीक है, इसको मिटा दें, ठीक है। तो गुणा करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक बड़ा वाला आ रहा है तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये वाला हार्ड होगा, नहीं कोई बड़ी बात नहीं, सेम सेम आपको वही फंडा लगाना है आपको। देखिए कितना बड़ा दिया है दो तीन दिया है, ठीक है चार, ये तीन गुणे तीन का व्यू है, और यहाँ दिया है तीन, और यहाँ दिया है चार पाँच, चार पाँच छः दिया है। नेक्स्ट वाले साथियों कितना दिया है, वन जीरो थ्री माइनस थ्री टू जीरो फाइव फोर, और कितना दिया है फाइव ही दिया है, कितना दिया है फाइव दिया है। तो जरा समझिए, अब ये देखिए तीन गुणे तीन है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब करेंगे क्या, जरा समझिए, अब वही आप याद रखना, क्या चीज, रो बाई कालम जो मैंने बताया था, यही ट्रिक मत भूलना आप, दो एक के दो प्लस तीन जीरोमा जीरो प्लस चार तिहाई कितना हो गया बारह, देख रहे हैं ना कितना आसान है, कितना भी बढ़ जाए लेकिन आप अपना नियम वही लगाना है बस। अब देखो ठीक है, ऐसे दो तिहाई छः माइनस छः प्लस तीन दूनी छः आ गया प्लस चार जीरोमा कितना हो जाएगा जीरो, फिर देखो दो पंचे दस प्लस तीन चौक बारह प्लस चार पंचे बीस, तो देख पा रहे हैं कितना आसान है। अब ये वाला तो हो गया, अब नीचे वाला भी तो करना पड़ेगा, चलो तीन एक के तीन फिर प्लस चार जीरोमा जीरो हो जाएगा प्लस पाँच तिहाई पंद्रह, तीन त्रिक्का माइनस नौ प्लस चार दूनी आठ प्लस, और पाँच में जीरो से गुणा करेंगे जीरो, फिर तीन पचे कितना आ जाएगा पंद्रह प्लस चार चौक सोलह प्लस पाँच पचे कितना हो जाएगा पच्चीस, ठीक है ऐसे इसका करिए, चार इक्के चार प्लस पाँच जीरोमा कितना जीरो प्लस छः त्रिक कितना हो जाएगा अट्ठारह, छः त्रिक अठारह हो गया, ऐसे नेक्स्ट करिए चार तिहाई बारह माइनस बारह हो गया, और यहाँ करेंगे तो पाँच दूनी दस तो प्लस दस आ गया, और छः इस गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो, नेक्स्ट चार पंचे बीस प्लस यहाँ करेंगे क्या पाँच चौक कितना हो जाएगा बीस ही हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा छः पंचे तीस हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कितना आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है, कितना भी बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब देखिए आगे, अब करेंगे क्या, इतना तो हम कर लिए, देखो यहाँ जोड़ो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो गया, तो 12 2 अगर ऐड करेंगे 14 हो गया, ठीक है, और यहाँ देखिए 15 और 3 कितना हो जाएगा
18 हो जाएगा, 18, ठीक है। और यहाँ देखिए 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना, 18 दो 20 दो 22 हो गया, तो यहाँ क्या लिख देंगे 22, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ प्लस और माइनस ये जब कट जाएगा तो यहाँ क्या बचने वाला है, जीरो केवल, क्या बचने वाला है साथियों, जीरो बचेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 8 में से 9 जाएगा तो माइनस 1 आएगा, कितना जाएगा माइनस 1, ठीक है। और यहाँ देखिए 12 में से 10 जाएगा तो माइनस 2 आ गया, तो माइनस 2 यहाँ हो गया। अब मामला ये फंसता है, चलो जोड़ते हैं, 20 और 10 30, 30 10 40 2 कितना हो गया 42 हो गया। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, देखिए इधर अब इसको जोड़ेंगे तो इसमें 25 में 15 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 20 10 30 30 10 40 56 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 56 हो गया। ऐसे जोड़िए यहाँ, ठीक है, 30 20 50 50 20 कितना हो जाएगा 70 हो गया। आप देख पा रहे हैं कि आपका ये आंसर आ गया। तो बेसिक कोई भी बड़ा दिया जाए आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक दो सवाल है, आप होमवर्क ले लीजिएगा, कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो इस पर ज्यादा हमें समय नहीं लेना है, फटाफट इसको सोल्यूशन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट साथियों क्या कह रहा है, जरा देखिए, 4 नंबर बात करें, 4 नंबर कह रहा है कि यदि a बराबर 151, ठीक है, 20 माइनस 1 माइनस 3 2 1 दिया है, और b इक्वल टू साथियों दिया है कितना 3 4 दिया है, 2 दिया है माइनस 1 2 0 फिर दिया 2 5 3 दिया है ना, 2 5 3 दिया है, और फिर c इक्वल भी दिया है, कितना दिया साथियों, दिया है 4 0 1 फिर कितना दिया है 1 3 माइनस 2 2 2 और कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है। अब देखो पूछ क्या रहा है, जरा समझो, कह रहा है कि पहले a प्लस बी, पहले आप a प्लस बी और क्या कह रहा है कि b माइनस सी परिकलित कीजिए, उसके बाद में सत्यापित करना है, क्या करना है सत्यापित, सत्यापित करना है, ठीक है, मतलब दिखाना है आपको कैसे, a प्लस कोष्टक में b माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी फिर क्या दिया है माइनस सी करके दिया है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप हमारी बात, तो देख रहे हैं यही सत्यापित करना है। तो साथियों करेंगे क्या, पहले a प्लस बी चाहिए, एक नंबर से चलेंगे तो लगा सकते हैं आराम से, देखिए तो क्या करेंगे, पहले एक काम करिए a प्लस बी, तो a प्लस बी करना है तो पहले क्या करेंगे, चलिए अब a प्लस बी करना है तो पहले a प्लस बी इक्वल टू a, a की वैल्यू कितना दिया है 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 फिर 1 दिया है, प्लस b की वैल्यू चाहिए तो v की वैल्यू कितना दिया है 3 माइनस 1 2 फिर दिया है 4 2 5 2 0 कितना दिया साथियों 3 दिया है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए यहां निकाल लेते हैं फटाफट, चलिए जल्दी जल्दी निकाल दें। यहां देख रहे हैं एक में और तीन जोड़ेंगे, तीन और एक कितना हो जाएगा 4, और यहां दो और एक, ठीक है, दो में से एक जाएगा तो कितना जाएगा एक आएगा, तीन और दो यहां माइनस एक आ जाएगा, पांच चार कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है ना, और जीरो में दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा दो ही आएगा, दो और पांच कितना हो जाएगा 5 दो 7 हो जाएगा, एक में दो 3 हो गया, एक यहां कितना हो जाएगा माइनस एक, एक और तीन कितना हो गया 4, तो आप देख रहे हैं आपके पास a प्लस बी की वैल्यू आ गया। तो ऐसे ही आपको क्या चाहिए b माइनस सी, तो चलिए b माइनस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, b b की वैल्यू कितना दिया साथियों नोट करिए फटाफट, कितना दिया 3 माइनस 1 2 4 2 5 दिया है, उसके बाद में 2 0 उसके बाद में 3 दिया है कि नहीं, उसके बाद माइनस माइनस c की भी वैल्यू देखना है, तो c की वैल्यू कहाँ है वहां है, कितना 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 और कितना दिया 3 दिया है। अब चलिए घटाते हैं, डायरेक्ट घटाएंगे ना, टाइम कम है, अब करेंगे क्या, 3 में से 4 जाएगा तो माइनस 1 आएगा, अब माइनस 1 में से, ठीक है, माइनस 1 घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ऐसे 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही आएगा, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक ऐसे ही 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 0 में से माइनस 2 घटाएंगे तो प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा 0। देखो अगर बेसिक आपका ठीक है, छोटा छोटा चीज जोड़ घटाना गुणा भाग ठीक से आता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए इतना आप समझ रहे हैं कि आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, तो अब सत्यापित करें, ठीक है ना। आप देख रहे हैं पहले a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेना, फिर b माइनस सी का, चलो इसको मिटा दें, ठीक है, इसको याद रखना है ये b प्लस सी का, ठीक है। तो सत्यापित करने के लिए क्या चाहिए, चलिए देखते हैं, अब क्या करेंगे इसको मिटा देते हैं।
सत्यापित करना है, तो याद रखिएगा कि ऊपर वाला a प्लस बी की वैल्यू है, ठीक है, किसकी वैल्यू है, a प्लस बी की। तो देखो पहले आपको इसका नाम रखना है लेफ्ट हैंड साइड और इस वाले का नाम रखना है राइट हैंड साइड। तो पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, पहले देखो दिया है a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, यही तो निकालना है। a, a की वैल्यू कितना दिया है, नोट करो जल्दी से, 1, 5, 1, 2, 0, -1, -3, 2, 1, उसके बाद में प्लस, प्लस क्या चाहिए, b माइनस सी की, तो b माइनस सी की वैल्यू यहाँ आई है, आई है कि नहीं आई है, तो चलो नोट कर लेते हैं, थोड़ा इसको मिटा दे, थोड़ा जगह हो जाए, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, यहाँ निकाले हैं हम, कितना निकाले हैं, माइनस वन, फिर फोर, फिर कितना है, वन है, फिर माइनस टू, माइनस वन, फिर टू है, उसके बाद जीरो, थ्री, जीरो, ठीक है। अब देखो इसका काम नहीं है तो इसको मिटा देते हैं, इसका काम तो खत्म हो गया ना, बी माइनस सी का, तो इसको हटा देते हैं। और याद रखिएगा ये वाला जो है ये किसकी वैल्यू है, a प्लस बी का, अभी इसका काम आएगा, ठीक है, इसको इसी रोक के रखो। अब क्या करेंगे, हल कर देते हैं बहुत बेसिक से। चलो यहाँ देखिए प्लस और माइनस एक है तो जीरो आएगा, दो यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ ऐड करेंगे तो माइनस तीन ही बचेगा, पाँच चार कितना हो जाएगा, बोलिए पाँच चार कितना हो गया, नौ हो जाएगा। और ठीक यहाँ जीरो में माइनस एक करेंगे तो माइनस एक ही आने वाला है, दो और तीन कितना हो जाएगा, पाँच आ जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा, दो, माइनस एक यहाँ दो दिया तो माइनस एक, सॉरी एक ही आ जाएगा, और यहाँ एक और जीरो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, क्योंकि ऐड करना। तो आप देख पा रहे हैं आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ए प्लस बी माइनस सी का। तो अभी तो ये भी तो देखना है, ठीक है, ये भी तो देखना है, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी, ये देखना ये, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड से, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं आपके पास a प्लस बी की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, a प्लस बी की वैल्यू है, पहले लिखा था माइनस माइनस सी, सी की वैल्यू यहाँ है चार, ठीक है, और क्या दिया है, एक, दो, जीरो, थ्री, टू, वन, माइनस टू, थ्री दिया है। तो चलिए माइनस कर लेते हैं फटाफट, घटा लेते हैं। तो देखो चार में से चार जाएगा तो जीरो, एक में से, ठीक है, एक में से एक जाएगा तो जीरो, यहाँ देखिए माइनस एक है, कितना है साथियों, माइनस एक है, और यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए कितना आ जाएगा, हाँ ठीक है, यहाँ देखिए माइनस दो और एक कितना हो जाएगा, माइनस तीन, और ऐसे ही यहाँ देखिए नौ में से जीरो जाएगा, कितना जाएगा, नौ आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा, दो में से तीन जाएगा तो माइनस वन, सात में से दो जाएगा तो कितना जाएगा, बताइए कितना जाएगा, पाँच आ जाएगा, तीन में से एक जाएगा तो दो आ जाएगा, माइनस एक में से, ठीक है, माइनस एक में से माइनस दो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो एक ही आने वाला है, चार में से तीन जाएगा तो कितना जाएगा, एक। तो आप देख पा रहे हैं इसका आंसर इसके आंसर के बराबर है, तो आप क्या लिख देंगे लास्ट में, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें क्या करना था, सत्यापित करना था। तो बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको गुणा करने आ गया, जोड़ आ गया, घटाना आ गया, जब इतना बेसिक पता चल गया तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मिटा दे इसको, मिटा दे रहे हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोई दिक्कत है नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए साथियों आगे बात करते हैं, ठीक है, देखिए आगे क्या क्या रहा है, सवाल नंबर देखिए फाइव, फाइव कह रहा है a इक्वल टू दिया है, ठीक है ना, देखो a इक्वल टू क्या दिया है, मजा आने वाला है, दो बटे का तीन, फिर दिया है वन बाई थ्री, फिर सेवन बाई थ्री, फिर दिया है वन, टू बाई थ्री, टू दिया है ओनली, उसके बाद दिया है साथियों फाइव बाई थ्री, और यहाँ दिया है कितना, फोर बाई थ्री, और यहाँ दिया है टू बाई थ्री, ठीक है ना, और उसके बाद में b इक्वल टू दिया है, कितना दिया है, 2 अपान 5, फिर 1 अपान 5, और यहाँ दिया है 7 अपान 5, ठीक है, यहाँ दिया है 3 अपान 5, और यहाँ दिया है 2 अपान 5, 6 अपान 5, 1 4 अपान 5, और यहाँ दिया है 2 अपान 5 दिया है, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन क्या करना है, पहले ये भी तो पता होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि आप 3a और माइनस फाइव बी की वैल्यू को ज्ञात करो, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, थ्री है तो पहले थ्री को नोट कर लो, पहले ए की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ दिया है दो बटे तीन, ठीक है, इसको फटाफट हम लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ दिया है दो बटे का तीन, दो दिया है, यहाँ दिया है पाँच बटे का तीन, चार बटे का तीन, दो बटे का तीन, नोट कर लो, ठीक है, यहाँ माइनस है
माइनस फाइव है, फाइव बी की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू कितना दिया, दो बटे का पाँच, तीन बटे का पाँच एक, फिर एक बटे का पाँच, दो बटे का पाँच, फिर दिया चार बटे का पाँच, फिर सात बटे का पाँच, फिर छः बटे का पाँच, फिर दो बटे का पाँच। तो देख पा रहे हैं कितना आसान है। तो साथियों अब करेंगे क्या, इसको बेसिक करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो थोड़ा डायरेक्ट समझो, थोड़ा डायरेक्ट समझ लो, ठीक है ना, थोड़ा डायरेक्ट क्या समझेंगे, अगर थ्री का इसमें गुणा करेंगे थ्री कट जाएगा तो कितना बचेगा, दो। ऐसे तीन का गुणा एक में करेंगे, तीन एक के कितना गया, तीन। ऐसे तीन का गुणा इसमें करेंगे तीन कट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल पाँच। ऐसे तीन का गुणा यहाँ करेंगे कट जाएगा तो कितना बचेगा, एक। ऐसे तीन का गुणा यहाँ करेंगे तीन कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल दो। ऐसे तीन का यहाँ गुणा करेंगे कट जाएगा तो कितना बचेगा, चार। ठीक ऐसे तीन का यहाँ करेंगे तो केवल क्या बचने वाला है, सात। और यहाँ भी करेंगे तीन दूनी का छः, यहाँ करेंगे तीन कट जाएगा तो कितना जाएगा, केवल दो आ जाएगा। फिर माइनस, देखो समय तो बचाना है, कुछ जल्दी करना है ना। अब पाँच का गुणा करेंगे तो पाँच पाँच कट जाएगा तो केवल दो बचने वाला है, यहाँ क्या बचेगा एक, यहाँ क्या बचेगा केवल सेवन, और यहाँ करेंगे तो कितना थ्री, और यहाँ कितना हो जाएगा केवल टू बचने वाला, और यहाँ क्या बचेगा सिक्स, और यहाँ करेंगे फाइव बन जा फाइव आ गया, यहाँ करेंगे ओनली फोर बचने वाला है, और यहाँ कितना बचेगा टू बचेगा। तो देख पा रहे हैं कितना आसान है। अब यहाँ नोट कर लेते हैं फटाफट कितना आया है, चलिए इसको जल्दी कर लेते हैं। कितना आया है, दिया है, कितना दिया है साथियों, दिया है टू वन सेवन, यहाँ दिया है थ्री टू, यहाँ दिया है सिक्स, उसके बाद में फाइव फोर टू दिया है, फिर आपको माइनस करना है, कितना माइनस करना है, यहाँ दिया है टू वन, और यहाँ दिया है सेवन, और यहाँ दिया है थ्री टू सिक्स, और यहाँ क्या दिया है फाइव फोर टू दिया है ना। अब करेंगे क्या जरा समझिए, इक्वल टू, चलिए घटाते हैं, दो में से दो जाएगा तो जीरो आएगा, तीन में से तीन जाएगा जीरो, यहाँ भी जीरो, हम तो देख रहे हैं सब मिल रहा है, तो टोटल कितना आ गया जीरो, टोटल जीरो आ गया, और जब टोटल जीरो आ गया तो इसका आंसर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो देख पा रहे हैं कितना आसान है। तो बेसिक आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ही आसान है, आसानी से आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। कितना मिनट हुआ, ठीक है, तो आप आज हम यहाँ तक ही बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।